अनु निकल वहां से। नमस्कार दोस्तों, चिलिंग क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आप सभी आज एक डरावने रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यनगर नामक एक शहर में चार दोस्त थे, विकास, अनुप, करण और सजन। शहर के एक कोने पर एक छोटे से जंगल में उनका एक अच्छा घर था। करण, जिसके पास बहुत पैसा था, उनके लिए हर शनिवार को घूमने के लिए घर बनाया। उन्हें अपने लाइफ की सभी बिजी काम से दूर एक साथ समय बिताना, बातें करना और मौज मस्ती करना पसंद था। एक शनिवार उन सभी ने शाम 6:30 बजे घर पर मिलने की प्लान बनाई। प्लान के अनुसार वे सभी अपनी वीकेंड पार्टी के लिए एक्साइटेड होकर शाम 6:30 और 6:45 के बीच आए। उनके घर में वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। सोने के लिए 2 बेडरूम, एक साथ खाने के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल, स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए एक किचन और एक बाथरूम। उन्होंने अपनी शाम की शुरुआत रसोई में खाना बनाकर की। हवा में स्वादिष्ट खुशबू भर गई। जब तक वो खाना बनाकर खाना खाने बैठे, तब तक रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बाथरूम से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। वे सभी आश्चर्य से ठिठक गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक पल भी बर्बाद किए बिना बहादुर सजल ने इसकी जांच करने का फैसला किया। वह बाथरूम में गया और पाया कि केवल नल से पानी टपक रहा है। उसने इसे ठीक से बंद कर दिया और दूसरों के पास लौट आया और उन्हें बोला कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सजल के बोलने के बाद भी उन सभी को थोड़ा अजीब लगा, जैसे कुछ ठीक नहीं था। तभी उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा हो। चिंतित होकर वो सभी यह देखने के लिए बाथरूम की ओर भागे कि क्या हो रहा है, सिवाय अनुप के जो पीछे रह गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो आवाज बंद हो गई थी और कोई नजर नहीं आ रहा था। अनुप उदास लग रहा था, चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। अपने दोस्त को परेशान देखकर वो अनुप के पास इकट्ठा हो गए और उससे पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। अनुप रोया और अपने दोस्तों से सॉरी कहा। उसे डर था कि यह उनकी आखिरी पार्टी हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, रसोई में रखा गैस सिलेंडर फट गया और घर में आग लग गई। वो सभी फंस गए और आग की लपटों के बीच उन्हें एक महिला की भूतिया परछाई दिखाई दी। वो सभी उसे पहचान गए कि वह अनुपमा है, जो 10 साल पहले लापता हो गई थी जब वो सभी एक साथ कॉलेज में थे। उन्होंने सुना था कि वो मर गई है, परंतु अब उन्होंने उसे आग में देखा। घबरा कर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अनुप एक खिड़की तोड़ने और अपने दोस्तों को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल सका। उनके प्रयासों के बावजूद आग बहुत भीषण थी और वो उसे बचा नहीं सके। वो सब रोए और उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग बुझने के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन अनुप के लाश का कोई निशान नहीं मिला। उन सभी ने पुलिस को घर में अपने दोस्त की अच्छी तरह से तलाश करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनुप घर में फंसा हुआ था। फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। हर कोई हैरान था, अनुप कहाँ था? अचानक करण के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। यह अनुप था जो कह रहा था कि जो उसने किया था उसे उसका सजा मिली है, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की है। वह और कुछ नहीं कर सका। कॉल अचानक कट हो गई और उस फोन कॉल की कोई कॉल हिस्ट्री नहीं थी। फिर एक और कॉल आई, इस बार विकास के फोन पर। चंद्रपुर पुलिस स्टेशन से उन्हें सूचित किया गया कि अनुप का एक्सीडेंट हो गया था और वह एक हाईवे के किनारे स्पॉट डेड पाया गया था। उनका डेड बॉडी सिटी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में था। सभी दोस्तों भयभीत हो गए। सच्चाई का एहसास होते ही वे सभी पीले हो गए। अनुप की आत्मा ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। तो दोस्तों, क्या हुआ अनुप के साथ? वो लड़की कौन थी? किस कारण से अनुप को सजा मिली? इन सभी उत्तरों को जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।
कृपया अपनी रिव्यू देने के लिए कमेंट करें। कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको नैतिक कहानियाँ पसंद हैं तो एथिकल टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में भी है। अलविदा दोस्तों।